भाई और बहनों, आज प्रत्येक हिंदुस्तानी देश की सेना के साथ है, देश की भावनाओं के साथ है, लेकिन मुझे मुट्ठी भर उन लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कुछ भी करो लेकिन मोदी को हटाओ। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमले के बाद आतंक के सरपरस्तों को जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखा पाए थे। ऐसे लोग न देश के जवान के हैं और न ही देश के किसान के हैं। यही इसी राजस्थान में इन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ऐसा कहा था ना, 10 दिन पूरे हो गए क्या? उनके तो कैलेंडर में 10 दिन पूरे होते ही नहीं है। 55 साल एक परिवार ने राज किया तो भी उनको लगता है कि वो कुछ करने के लिए कुछ और चाहिए। भाइयों बहनों, आप बताइए, क्या वादे के मुताबिक कर्ज माफी हुई क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ, देश सुने, क्या कर्ज माफी हुई क्या? 10 दिन का वादा किया था कि नहीं किया था? और अभी हमारे विपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया बता रहे थे कि जरा हिम्मत है तो आंकड़े घोषित करो, आंकड़े घोषित करो, कितना रुपया दिया, किस किसान को दिया, नहीं करेंगे। ये झूठ बोलना इनकी फितरत में है जी। क्या ये बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने अपना वादा निभाया क्या? भाइयों और बहनों, इन लोगों की कर्ज माफी की कलाई भी हर प्रकार से रोज रोज खुल रही है। देश के किसानों से विश्वासघात करने का इनका तरीका अब पूरी तरह खुल करके सामने आ गया है। साथियों, जुबानी जमा खर्च करने वालों को राजस्थान की परंपरा का भान नहीं है। ये वो राजस्थान की धरती है, यहां जुबान की क्या कीमत होती है ये आज के ये लोगों को पता तक नहीं है। राजस्थान एक बार जुबान दे देता है तो जुबान के लिए जिंदगी दे देता है। लेकिन बोल दिया, 10 दिन बोल दिया, अब कुछ नहीं, खो गए। उन्होंने जो किया वो उनका कर्म है। भाजपा का केंद्रीय सरकार के संस्कार अलग है। हमारी सरकार जो वादा करती है वो निभाती भी है। हमने किसानों से एमएसपी लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, उसको पिछले ही साल पूरा किया जा चुका है। इस बजट में हमारी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक ऐतिहासिक योजना भी लेकर आई है। ये वैसी योजना नहीं है जैसी कांग्रेस हर 10 वर्ष के अंतर पर लाती है। आपको याद होगा, कांग्रेस साल 2008 में कर्ज माफी लेकर आई थी और चुनाव के पहले कर्ज माफी का उनको बुखार आता है और कहने के लिए 50-55 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया था और उसका लाभ भी औसतन 100 अगर किसान है कुल तो मुश्किल से 20 या 25 किसान को ही उसका लाभ मिला था, और वो भी
जिन्होंने बैंक से लोन लिया था, शराब से जो पैसे लेके आए थे वो तो लूटते ही रह गए। साथियों, हमने जो योजना बनाई है उससे देश के औसतन 100 में से लगभग 90 किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। उनकी योजना से कितनों को लाभ? 20-25 को। हमारी योजना से कितनों को लाभ? 100 में से 90 को। मुझे बताइए, हमारी योजना किसान का भला करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? भाइयों बहनों, और वो एक बार नहीं, हर साल मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कांग्रेस की योजना से तुलना करूं तो आने वाले 10 वर्षों में हमने जो योजना बनाई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से 7.5 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए, 7.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खातों में जमा होने वाला है। और ये तो अभी शुरुआत है। सोचिए कहां 50-55 हजार करोड़ और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया। ये होती है साफ नियत और ये होती है सही नीति। साथियों, राजस्थान के लगभग 50 लाख ऐसे किसान परिवारों को जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इससे बीज, खाद और कीटनाशक जैसी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसान को किसी दूसरे से भारी ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से मुक्ति मिल जाएगी।